खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कितने बच्चों को पालती है और सारे 10 बच्चे 20 बच्चे जो भी बच्चे हैं वो बच्चे मिलके अपने माँ बाप और फैमिली को नहीं पालते हैं। तो इस मूवी में आपको वो देखने को मिलेगा कि एक माँ ने अपने बेटे के लिए कितनी तकलीफ सही है, तकलीफ सहते हुए बेटे को पढ़ा के लिखा के अमेरिका भेजती है, बच्चा अमेरिका से आता है। एक्शन मूवी है, ब्लड बहुत गिरेंगे क्योंकि हम लोग ने फाइट वगैरह सारा हम लोग ने केबल शॉट वगैरह ही रखा है, बम गोली ये सब यूज नहीं करना है। साउथ के जैसे जैसे कोयता कुल्हाड़ी ये सब होता है वो हम लोग यूज करें। फुल एक्शन मूवी है और इसमें एक एक पॉजिटिव पार्ट ये है कि प्रेम कथा भी है, मतलब प्यार को पाने के लिए वो कितना परिश्रम करता है वो सब दिखाया है, इसलिए वो एक्शन के थ्रू ये सब दिखाया है उसमें। हम चाहते थे कि फ्रेशर्स को एक इम्पोर्टेंस मिले। आजकल क्या होता है ना कि जो ऑलरेडी फेमस है उन लोगों को ज़्यादा लोग प्रोत्साहित करते हैं, मगर जो अभी नए फेस है जिनको काम नहीं मिलता है और जो आना चाहते हैं जिनको सच में काम करना है हम लोग को उनको चांस दिया था उनको, और वो लोग बहुत मन लगा के काम करते हैं इसलिए हमको उनको चांस दिया था, इसलिए हम लोग सब फ्रेशर्स दिए हैं। मी हा मूवी मध्ये लीड करते, महाकांती फिल्म्स ह्या प्रोडक्शन हाउस मध्ये प्रोड्यूसर आहेत चिंटू सिंग आणि डायरेक्टर आहेत पायल रोई। सर्वात पहिले यांचं मी आभार मानते, त्यांनी मला ह्या मूवीमध्ये चान्स दिला काम करायला। सो ह्या मूवीमध्ये मी लीड करते, हे माझ्या अपोजिट आहेत, कोस्टार आहेत माझ्या, आणि मी एक म्हणजे मोठ्या फॅमिलीमधली आहे आणि माझं प्रेम ह्यांच्यासोबत होतं आणि बहुत अच्छी लगी कहाणी। क्योंकि ॲक्च्युली काय आहे ना, आजकल ये कहाणी आती नाही आहे, आजकल कुछ डिफरेंट ही आता है, मतलब प्रेम से लेके ये सब नहीं आता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी ये कहानी। अशी आहे की मी एक श्रीमंत घरातली मुलगी आहे आणि मी माझ्या भावांना वगैरे हे प्रेम माझं प्रेम ह्यांच्याशी होतं आहे, माझ्या भावांना वगैरे प्रेम माझं ॲक्सेप्ट म्हणजे नसतं की हा एक गरीब घरचा मुलगा आहे। सो माझे भाऊ बोलतात की हा गरीब घरचा मुलगा आहे कसं होणार तुझं, म्हणून माझे घरचे पूर्णपणे विरोधात असतात ह्या प्रेमाच्या। सो मग हा हिरो असतो तो स्वतःला प्रूफ करण्यासाठी मग तो बाहेर गावी जाऊन मोठा होऊन येतो, पैसा कमवायला लागतो आणि तो मोठा होऊन येतो, आणि सर्वच स्टोरी सांगणं इथे काही पॉसिबल नाही आहे, पुढची स्टोरी आहे ती तुम्ही पुढे बघा रिलीज झाल्यावरती मूवी। सो एवढंच। मध्ये एक रोल आहे म्हणजे एक हिरोचा रोल आहे आणि त्याचा पहिले एक रोल आहे काही म्हणजे त्याच्यामध्ये आमचा रोल एक मुलगा आहे आणि एक बहीण आहे आई आहे आणि गरीब असल्यामुळे आम्ही खूप काही कष्ट आणि आम्ही बऱ्याचशा गोष्टी आम्हाला सहन कराव्या लागतात त्या गावामध्ये आणि एखादकाली आमचं एक प्रेम प्रकरण याच्यामध्येच काय गोष्टी त्याच्यामुळे आम्हाला बाहेर गावी जावं लागतं, मला पैसे कमवण्याच्या उद्देशाने। त्याच्यानंतर तिकडनं आल्यानंतर काय गोष्टी ॲक्शन फिल्म वगैरे आमची मूवीमध्ये चालू होते। त्याच्यामध्ये मग जुन्या आठवणीत आणि मारामारीत खूप काही गोष्टी अशा फोन वगैरे निघतो। ऍक्शन मूवी आहे, ऍक्शन मूवी आहे आणि त्याच्यात खूप म्हणजे फायटिंग वगैरे होणार। हिटमध्ये आहे, मी तिची एकतर्फे प्रेमिका आहे
मी त्याला एक तरफे प्रेम करते, त्याच्यावर त्याला माहिती नसतं, त्याची एक मैत्रीण, त्याची सल्लागार म्हणून त्याच्यासोबत आहे, त्याला हर गोष्टीमध्ये साथ देत असते, त्याला एक चांगली मैत्रीण, एक सल्लागार त्यासोबत असते, जे त्याला माहितीच नसतं की माझं एक तरफे त्याच्यावरती प्रेम आहे. तो अच्छा ही होगा, अच्छा कोशिश करूँगा करने के लिए. और सबसे पहले मैं तो चिंटू जी को धन्यवाद देता हूँ और पायल जी को जो अपने इस फिल्म रथ के लिए मुझे मूवी डायरेक्टर के लिए चुना है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. और मैं कोशिश करूँगा अच्छा गाना करने की. कितने गाने हैं? गाने तो देखिए अब बनने को बड़े कितना बनता है, अच्छा लगेगा तो 4-5-6-3 बनेगा, 3-4-5 जो भी होगा, और गाना कोशिश करूँगा अच्छा गाना बनाऊँ. नमस्कार, मेरा नाम स्नेहल विलनकर है. मैं इस फिल्म में माँ कांति फिल्म प्रेजेंट रक्त फिल्म में माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. ये मेरे बेटे बने हुए हैं और ये मेरी बेटी बनी हुई है. ये जो कैरेक्टर है बहुत गरीबी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ मैं. बचपन में खाने के लिए कुछ घर पे नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तो उस वक्त ये माँ जो होती है ज़मीन में से जो कंदमूल जिसको मराठी में बोलते हैं वो निकाल के लेके आती है, खेत में जाके वो चूल्हा जला के बारिश का पानी इकट्ठा करके उसमें वो बॉईल करके अपने बच्चों को खिलाती है, तो इसमें बहुत गरीबी दिखाई गई है. नमस्कार, मेरा नाम है पायल कुटांगले. मैं माँ कांति फिल्म्स में एक बहुत अहम किरदार निभा रही हूँ. इसमें इस मूवी में 3 लीड हीरोइंस है, उसमें से एक लीड मैं हूँ. ये मेरी माँ बनी हुई है. मैं बहुत गरीब हूँ. जिस तरह से इन्होंने अभी बताया हमारी क्या बैकग्राउंड है, हमारी फैमिली का, हम किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं लाइफ में, कितनी तकलीफें हैं, कितनी परेशानी है, उतनी तकलीफें मेरे साथ भी हैं क्योंकि मैं उसी फैमिली से हूँ. मुझे अगर पहनने के लिए चप्पल नहीं है तो मुझे दूसरी लड़की से चप्पल मांगनी पड़ रही है पहनने के लिए. 2 कलर की चप्पल्स पहन रही हूँ मैं. इस तरह से मतलब काफ़ी संघर्ष भरा करेक्टर है ये जो मैं प्ले करने जा रही हूँ. मेरे ज़िंदगी का बहुत ही अहम कैरेक्टर होगा. मैंने काफ़ी काम किया है लेकिन ये जो मैं प्ले करने जा रही हूँ, मैंने आज तक कभी ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले नहीं किया और मैं बहुत उम्मीद है मुझे इससे. बहुत डेडिकेट हूँ मैं ये करने के लिए. मुझे बहुत कुछ करने के लिए मिल रहा है. थैंक यू डायरेक्टर जो है हमारी पायल मैम उनको, और हमारे प्रोड्यूसर जो है चिंटू सिंह सर उनको कि उन्होंने मुझे इस कैरेक्टर के लिए चुना. उनको लगा कि मैं ये बेटर कर सकती हूँ, उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी, उसके लिए थैंक यू सो मच.